ओ बिस्मिल्लाह, गुस्सा कर गया। ओए होए, इधर आओ बेटा। ये ले जी, छोटा बच्चा गुस्सा कर गया है। ये गलियां हैं जी इस गांव की, छोटी छोटी गलियां हैं और लकड़ी के घर। यार कितना सुकून है इन जगहों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी शारदा विलेज के अंदर। ये वादी नीलम का बहुत ही खूबसूरत गांव है और मुजफ़्फ़राबाद से जो इसका सफ़र है वो 148 किलोमीटर है। तो आप इस गांव का लाजमी विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं, तो जहाँ पे आप अपना रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे रहाइश कर सकते हैं। तो वहाँ से गाड़ी जो किराया लेती है यहाँ तक, वो तकरीबन 400 रुपये किराया लेती है इस गांव तक आने का। और वो टाइम जो लगाती है वो तकरीबन 4.5 घंटे लगाती है। और यहाँ पर जो नेटवर्क चलता है वो एस काम का चलता है। इसके अलावा यहाँ पे किसी और कंपनी के सिग्नल नहीं आते। और ऐसे काम का यहाँ पे 4G चलता है, लेकिन स्पीड वो 2G या 3G जितनी आती, 4G फुल स्पीड यहाँ पे नहीं आती। तो बहुत ही खूबसूरत गांव है। इसके अलावा यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे पहुँचे और कैसे आए, सबसे पहले आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर इस गाँव के अंदर आते हैं। तो आप ही चलिए हमारे साथ। अभी हम जा रहे हैं जी शारदा बाज़ार के अंदर। रात को हमने इधर स्टे किया था। शारदा बाज़ार से तकरीबन 5 मिनट के फासले पे है ये होटल। अभी बाज़ार जाते हैं और नीचे दरिया नीलम इस साइड पे। शारदा का बाज़ार छोटा सा है, तो यहाँ से आपको इस्तेमाल की तकरीबन तमाम अशिया आसानी से मिल सकती हैं। और ये पुल है जी गांव वाली साइड पे जाने के लिए, लेकिन ये लोहे से बनाया गया है, लोहे और वायर के साथ। और नीचे देखें कश्तियां खड़ी हैं राफ्टिंग वगैरह के लिए, बोटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। और नीचे दरिया नीलम, माशाल्लाह जी बहुत प्यारा व्यू है इसका। तो ये है जी यहाँ का देहात, और ये पानी आ रहा है ऊपर से, चश्मे का पानी है बिल्कुल शफाफ, नेस्ले से भी अच्छा है ये पानी। और ये भाई साहब यहाँ पे कुछ दरख्त काट रहे हैं। भाई साहब ये कौन सा दरख्त है, क्या बोलते हैं? मनु। ये अभी इसको क्या करेंगे आप, जलाने के काम आएगा? ये बकरियाँ खाएंगी, बकरियों के लिए। अच्छा, यानी कि सर्दियों के लिए स्टॉक काट रहे हैं। माशाल्लाह ये गांव कितना प्यारा है। और ये शहतूत जो हमारे पंजाब के अंदर होता है,
और यहाँ पे मकई काश्त की गई थी वो इन्होंने काट ली है, क्योंकि इसका सीज़न अभी ख़त्म हो रहा है। और इस तरह फूल, और इस तरफ हैं जी ये कश्मीरी बच्चे माशाल्लाह, क्यूट बेबी, ये भी खेतों के अंदर काम करने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम ही नहीं ले रहा। सलाम ले लो बेटा, क्यों नहीं लेना। और ये देखें, वैसे शर्मा रही हैं। ये क्या खा रहे हो, मुझे दे दो, अखरोट खा रहे ओ बिस्मिल्लाह, गुस्सा कर गया है। ओए होए, इधर आओ बेटा। ये ले जी, छोटा बच्चा गुस्सा कर गया है। ये देखें जी, छोटा बेबी हरा भरा घास चार रहा है बिल्कुल। और इस तरफ आगे घर हैं और फसलें वगैरह लगाई गई हैं। ये पानी ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे कपड़े धोए जा रहे हैं। ये देखें जी, ये है जी मेरा कश्मीर, जन्नत का एक हसीन टुकड़ा। इस साइड पे ये घर बन रहा है ना अभी। ये जंदर है, जंदर क्या है, ये चक्की जैसे कहते हैं, जंदर चक्की है। हाँ चक्की, हाँ मकई। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, वो पीछे से पानी आता है इसका, ये चक्की है जी। लेकिन अभी तो ख़त्म हो गई, वो टूट गई है हर चीज़। ये भी तैयार होगी ना ये। अच्छा अभी सीजन आएगा ना फिर ये तैयार होगी। अच्छा अच्छा, और ये क्या चीज़ है, ये भी वही है चक्की है। तो यहाँ से हम जाते हैं उस तरफ। ये ले जी, नाला क्रॉस हो गया है और इस तरफ जानवर चार रहे हैं जी मुकम्मल। ये माशाल्लाह व्यू देखें, इस जगह से क्रॉस करते हैं इसे। किस साइड से जाना पड़ेगा अभी ऊपर, इस जगह से नहीं? इस जगह से। ये मारती तो नहीं, ये ना गुस्सा कर दें कि हमारी वीडियो क्यों बना रहा है। ये लेने जिन्होंने हमें रास्ता दे दिया है, समझदार गाय है, उनको पता है कि ये भाई जो हैं हमारा इलाका वो प्रमोट करने आए हैं। डर के ये बड़ी चढ़ाई है इसकी। और यहाँ पे ये देखें, ये कोट लगाया गया ताकि जानवर डरे, इसके साथ एक बंदा खड़ा है। और यहाँ पे ये मकई की फसल काटी गई है, ये कहूँ देखें माशाल्लाह। कितना प्यारा व्यू है इसका। तो ये देखें जी, अभी आड़ू का सीज़न ख़त्म हो गया लेकिन यहाँ पे आड़ू लगे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, साइज़ इनका छोटा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो खा के इनका जायका भी चेक करते हैं, इसको तोड़ें आड़ू को।
ये भाई साहब हाथ नहीं जा रहा ये ले जी यहाँ से आड़ू तोड़ते हैं खाने के लिए। अंगूर खट्टे हैं मेरे ख्याल में, हाथ ना गया तो कह देंगे खट्टे हैं अंगूर। ये देखें जी यहाँ का आड़ू खा के चेक करते हैं इसे। वाह भाई वाह, कच्चा है लेकिन इसका एक अपना ही जायका है। जो ताज़ा दरख्त से तोड़ के फल खाएं तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। ये क्या चीज़ लगी हुई है, ये रेड रेड ये सेब है ना, लेकिन ख़त्म हो गए, साइज़ बहुत छोटा है इनका। और ये घर बनाया गया इस साइड पे लकड़ी के साथ और पत्थरों के साथ। और ये दरवाजा रखा गया घर का। और इस साइड पे देखें माशाल्लाह, इधर से ना करें और माशाल्लाह ये देखे फूल लगाए गए हैं घर के अंदर। ये गलियां हैं जी इस गांव की, छोटी छोटी गलियां हैं और लकड़ी के घर। यार कितना सुकून है इन जगहों के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे लकड़ी की वाड़ लगाई गई है और ये यहाँ का स्कूल है तालबात लड़कियों का। और इस तरफ फसलें लगाई गई हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये है जी गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज शारदा। और इस साइड पे कुछ पुराने किले बनाए गए हैं काफ़ी अरसा पहले के, हज़ारों साल ऐसे ही है ना जी, हज़ारों साल, हज़ारों साल पुराना है जी। ये देखें दरवाजे पे किला भी बना हुआ है। ये है जी यहाँ का कॉलेज, ये है जी इसकी बिल्डिंग कॉलेज की, माशाल्लाह बिल्कुल नई है। उस तरह भी ये कॉलेज की बिल्डिंग है ना, ये देखें। और ये है जी पुराने खंडरात, बहुत ज़्यादा पुराने हैं ये। अभी मैं जा रहा हूँ जी जो यहाँ की ओल्ड यूनिवर्सिटी है उस तरफ, और ये नीचे जो है ना जब पानी ज़्यादा आता है उस टाइम यहाँ पे ये नाला चलना स्टार्ट हो जाता है। अभी पानी यहाँ पे कम है इसलिए बंद है ये नाला। और इस साइड पे ये घर है मुकम्मल, और इस तरफ जो है ना वो बाज़ार है माशाल्लाह। तो ये है जी शारदा की जो ओल्ड यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 1000 साल पुरानी कहते हैं। तो ये है जी बहुत कदीम है ये यूनिवर्सिटी।
बुद्ध मत के ये दौर की है। ये देखें जी, ये यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, शारदा पैथ। और ये सिर्फ ये यहाँ पे कुछ डिटेल वगैरह लिखी गई है। ये पता नहीं क्या सीन था, ये देखिए छोटा सा कमरा बनाया हुआ है, बुद्ध मत के दौर की है ये। बाकी जो इसकी डिटेल है वहाँ पे एक तख्ती लगी हुई वहाँ पे, वो ना आपको उसका भी तस्वीर लगा देंगे। आप हिस्ट्री इसको खुद पढ़ लीजिएगा, हमें तो नहीं इतना पता। ये देखें दीवारें कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। ये देखें जी, साइडों पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और ये सेंटर में एक ये कमरा नुमा कोई चीज़ है, पता नहीं यहाँ पे क्या करते थे वो लोग। और बाहर जो है ना नक्शनगार इसका किया गया है, इसके अंदर रास्ता है उस जगह से ना सीढ़ियाँ अंदर जाती हैं, वो अंदर से भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, शारदा की ओल्ड यूनिवर्सिटी। ये देखें, हालांकि उस टाइम यहाँ पे 1000 साल पुरानी है तकरीबन, इससे भी ज़्यादा कहते हैं, लेकिन उस टाइम यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं थी, यानी कि लोग खुद हाथों से काम करते थे उस टाइम। पता नहीं ये कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर ले के आते होंगे पहाड़ों से, बड़ी हिम्मत थी इनकी। ये देखें, ये चार दीवारी है इसकी, और उस तरफ इनका गेट है। और ये साइड का व्यू है यूनिवर्सिटी का, और इसकी बैक साइड पे गांव है, घर हैं काफ़ी सारे, गांव काफ़ी बड़ा है। और इस तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इसके। ये देखें जी, देखें वो लोग तो यहाँ से चले गए, उनका नाम भी मिट गया, लेकिन जो उनकी इमारत है वो अभी तक बिल्कुल सही सलामत है। ये देखें जी, ये है कोई बड़ा सा कमरा, ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है यहाँ पे, यकीन माने बहुत बड़ा पत्थर है ये। और ये सीढ़ियाँ स्टेप ऊपर जाने के लिए, ये इसका दरवाज़ा है। और ये ऊपर से इसकी छत, इस टाइम तो नहीं है लेकिन शायद पहले होगी तो वो ख़त्म होगी छत। ये इसके अंदर का व्यू है जी, अंदर पौधे देखें उगे हुए हैं यहाँ पे। और वहाँ से हम ऊपर आए हैं, वो जो सीढ़ियाँ हैं ना वो ऊपर आने के लिए हैं। ये देखें जी, और इस तरफ घास वगैरह उगा हुआ है। और इसके इस साइड का व्यू देखें आप ज़रा, और इस साइड पे नीचे वो दरिया नीलम है इस तरफ, और इस साइड पे मुकम्मल ग्रीन है पहाड़, वहाँ पे जानवर वगैरह चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू है उस जगह के ऊपर। आप देना उसको छोड़ दो, वो नहीं कर पाएगी। ये देखिए यहाँ पे कश्ती के मजे लिए जा रहे हैं अभी, ये अंकल जी हैं और भाई हैं, और छोटी सी बच्ची को कश्ती के ऊपर झूला दिलाएंगे।
तो ये था जी मेरा शारदा विलेज वाला व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे ज़िंदगी के किसी और सफ़र के अंदर, तब तक अपने भाई मोहम्मद अदनान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो ये है जी अमान पैलेस, इधर रात मैंने स्टे किया था। यकीन माने जंगल में मंगल किया हुआ है इस होटल वालों ने, बहुत ही खूबसूरत है ये, इसका व्यू है। और किराया जो है इसका इंतहाई मुनासिब है। बाकी भी होटल मैंने गेस्ट हाउस वगैरह विज़िट किए हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई वो बाकी के अंदर नहीं है। सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि ये देखें, जब सुबह उठते हैं कमरे से तो उसका व्यू ही कुछ अलग होता है। ये माशाल्लाह दरिया नीलम और उस साइड पे पहाड़, नीचे खेत हरे भरे, ये व्यू देखें। ये डबल बेड और साथ एक मैट्रेस है, इसका जो किराया वो 3000 है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना वाईफाई की सहूलत भी है, गर्म पानी की सहूलत भी है। मौसम के हिसाब से आपको हर चीज़ यहाँ से मिलेगी। ये बैठने के लिए है, यहाँ से बैठ के आप चाय पिए, बाहर का माहौल वो इंजॉय करें। ये देखें,